सो हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी की सीन्स कुछ ऐसे है कि मैं खड़ा हूँ रण उत्सव में, पीछे टेंट सिटी और इधर है हमारे रजाक भाई। हम सुबह सुबह जल्दी यहाँ पे आ गए, लेकिन इन लोगों को कोई पता नहीं है, अभी तक नहीं आया। गुब्बी नहीं आया, इमरान खान भी नहीं आया, कोई नहीं आया। तो आएंगे तो हम निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? लखपत। लखपत जाएंगे, यस। तो लखपत के सीन्स आपको वहाँ पर चेक कराएंगे। फिलहाल तो हम कर रहे हैं इनका वेट। 10 मिनट का टाइम दिया, 10 मिनट में हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से रुक जाओ, यहाँ से आगे आपको कहानी जानना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर कहानी नहीं जानोगे तो कहानी में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं बताता हूँ कहानी में हम कौन कौन लोग थे। कहानी में मैं था, इमरान खान था, रजाक था, गुलबुद्दीन था, रऊफ था, फ़हीम था, रसूल था, आमिर अली था, सयाफ था। यस, सयाफ था। अब भी अगर मुझे नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा लोग थे, लेकिन इतने लोग थे। अगर इसमें से किसी का मैं नाम भूल गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो कुछ दिन पहले हम निकले थे सफ़र पर, कुछ दिन यानी कि 3 दिन पहले हम निकले थे सफ़र पर, नारायण सरोवर और लखपत के कुछ हमें गांव घूमने थे। नारायण सरोवर कोटेश्वर हम गए थे, लेकिन देन लखपत के कुछ गांव हम गए थे। हमने यहां से कर दिया था अपने सफ़र का आगाज़। तो चलो ये चेक कर। सो फाइनली अभी हम कहाँ पर पहुँचे? दया पर पहुँचे। यस, अभी हम दया पर पहुँचे और अभी हमें पहुँचना है लखपत। यहाँ पे कर रहे हैं पेट्रोल का प्रक्रिया, पेट्रोल ख़त्म करने के बाद आगे जा रहे हैं। सो फाइनली अभी हम आए हैं कहाँ पे? नारायण सरोवर। ये नारायण सरोवर है ना? यस। फाइनली अभी हम कहाँ पे आए हैं? नारायण सरोवर पे आए हैं हम सब, हमारे सब लोग यहाँ पे साथ में। इधर रहूँ? हाय। यस, नारायण सरोवर में आज मेरा वो जवान थोड़ी अटक रही है, पता नहीं क्यों, पता आई डोंट नो, बट ये नारायण सरोवर का ये पीछे लगा हुआ है। बहुत अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे ठंडी हवाएं, समंदर की लहरें। देन इधर हमारे फहीम है, इमरान खान आप मिले ही होंगे पिछले ब्लॉग में। सो अभी हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, रऊफ वहाँ से ले रहा है हमारी फ़ोटो। आई होप ये फ़ोटो अच्छी आई होगी। रऊफ, एक थंबनेल के लिए मुझे यहाँ पे फ़ोटो चाहिए यार। ये पीछे पूरा बोर्ड आ जाना चाहिए और बस ये पीछे आ जाना चाहिए। आप कहाँ पे मैं खड़ा रहा हूँ आप बताओ। तो मैं यहाँ थंबनेल की फ़ोटो क्लिक करूँगा, रऊफ यहाँ पे खड़े होंगे। सो फाइनली यहाँ का सीन्स कुछ ऐसे हैं। कहाँ जाएंगे अभी? यहाँ तो आ चुके हैं, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? कोई प्लानिंग कुछ बोल रहे हैं? गाँव का नाम तो मैं भी भूल गया हूँ। अच्छा यस, अभी हम जाएंगे, जाएंगे एक गांव में जाएंगे, वहाँ हम पिएंगे चाय। और इमरान भाई अब हम कहाँ जाएंगे फिर मुझे बताया? हम एक गांव में जाएंगे लेकिन गांव का नाम हमें पता नहीं। अभी हम द्रागावड़ जाएंगे और पिपर। अच्छा, पिपर और द्रागावड़ दूसरे दो गाँव है, हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हमें चाय नाश्ता करना है। अच्छा, चाय नाश्ता नहीं, उनकी मेहमान नवाजी आज दावत है। अच्छा, तो वहाँ पे वहाँ पे दावत है। हमारे जीवन संस्था में हमारे साथ जुड़े हुए हैं करीम भाई। अच्छा, उनके साथ हम मिलने जाएंगे, उनकी तरफ से आज दावत है हमारी। तो अभी हम फिलहाल तो नारायण सरोवर जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे द्रागावांड। यस यस, द्रागावांड से होकर हम पीपर जाएंगे, जो आगा खान जद कम्युनिटी के जो बड़े लीडर रहबर हैं। ओके ओके, जरूर इंटरेस्टिंग रहेगा आज आज का दिन। सो फाइनली हम आ चुके हैं नारायण सरोवर पे। यस, यहाँ से पीछे है सीन्स नारायण सरोवर के, वहाँ पे जाके आपको सीन्स चेक करवाएंगे नारायण सरोवर के। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और वो भी रऊफ के साथ, सीन्स चेक कीजिए यार, हमें भी खुशी आती है। हाँ यस, सभी जाएंगे। फाइनली अब हम जानेंगे कि नारायण सरोवर के बारे में क्या डिटेल से, क्या कुछ मुझे पता नहीं, आप बता सकते हो नारायण सरोवर के बारे में? फ्रेंड्स, नारायण सरोवर जो है यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, जो हमारे हिंदुस्तान में समझ लीजिए कई कोने से लोग आते हैं। इस मंदिर को हिंदू धर्म में बड़ी आस्था है और इस समुंदर का यानी फ़ोटो व्यू भी अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस, शांति वाला एकदम कुदरती प्राकृतिक सौंदर्य जो है, ठंडी हवाओं के साथ अपनी जर्नी, अपनी फैमिली के साथ कुछ पल बिताने के लिए, यादगार पल और आस्था के साथ जुड़े हुए पल कैचअप करने के लिए लोग आते हैं। और इस मंदिर में लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं,
और हम भी घूमने के लिए आए। थैंक यू। यस, बस इतना ही जाना तो आपने जान लिया होगा कि यहाँ पे मंदिर जो बात कर रहे हैं वो मंदिर पीछे रहा, ये मंदिर पीछे इस मंदिर के अभी, और ये रहा समंदर पीछे, यहाँ से समंदर दिखता है और ये पूरा समंदर का नज़ारा यहाँ से है। और सिंस तो हम चेक कर ही रहे हैं, इसी के साथ मैं अपने चश्मे पहन लेता हूँ, अगर गिर गए कहीं उड़ गए तो मेरी तो बच जाएगी, मेरे बाल तो को जज मत करना, मेरे बाल तो वैसे उड़ेंगे ही क्योंकि ये उड़ने की नहीं आदत है। यस, यहाँ पे आके रजाक गुब्बी, यहाँ पे आके कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है? नहीं, यहाँ पे नीचे समंदर है। भाई छोटे भाई से पूछिए जरा, भाई इनसे तो हमारी बातचीत हो चुकी है। अच्छा। इन्होंने पूरा डिटेल बताया। आज हमारा प्लानिंग अचानक बना। यस, हमें घूमने का बहुत बड़ा शौक है और हम सब दोस्त आए हैं इधर घूमने, नारायण सरोवर, कोटेश्वर, लखपत, फिर हम जाएंगे, अपने दोस्त हैं वहाँ पे जाएंगे। आज बहुत खुशी हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है। लॉकडाउन के बाद से हम लोग, ये हमारी पहली जर्नी है और वो भी कोटेश्वर। हम लोग मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुश्ताक आपके साथ ये जर्नी इतनी अच्छी सफल बनी। नहीं, ये मेरी किस्मत है कि मैं आप सब लोगों के साथ आया। मुझे रजाक ने अचानक बुलाया कि भाई निकलो, तुम्हारा काम है। तो भाई हम ये मेरे आई डोंट नो व्हाई ये क्यों हो रहे हैं। अभी बाय बाय करने का टाइम आ गया, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। अब पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ पे। अभी बाय बाय करते हैं हम नारायण सरोवर को। सो बाय, फिर मिलते हैं आगे अगले प्लेस पे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहना। कुछ दोस्त साथ में ले लो, अगर दोस्त होंगे तो रास्ते कैसे ख़त्म हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही हमारा रास्ता कैसे ख़त्म हुआ हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बातें करते 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 इतना सा माहौल बन चुका था ना, ख़त्म थे सीन यार। बस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड देन कमेंट सेक्शन में ये भी बता दें ताकि मुझे अब नेक्स्ट में कैसे वीडियो बनाऊँ, मुझे भी थोड़ी फीडबैक मिल जाए। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को या मेरे काम को, अगर आप वो सही में अच्छा लगा तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो। थैंक यू यार, यहाँ तक था सफ़र हमारा, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक जुड़े रहना मुश्ताक मैक्स पे, क्योंकि मुश्ताक एएस अब रहा नहीं। अगर आप मुझे मुश्ताक मैक एएस से देखते आए हो तो थैंक यू यार, आपको बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुश्ताक एएस अब है नहीं। सो हम कंटिन्यू रहेंगे मुश्ताक मैक्स पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बोम, मैं जानता हूँ एमएसके की लाइन है लेकिन मुझे अच्छी लगती है। सो ओके बाय, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। ओके बाय।